हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जहाँ मिले इस्लाम में बी ऑनर्स हिस्ट्री में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं या सिंपली बी ऑनर्स हिस्ट्री में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया के हिसाब से यही था कि जामिया जो है बी हिस्ट्री में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सी यू ई टी में डाल रखा था। पहली चीज़ ये समझिए कि अगर जो बच्चे जामिया के सी यू ई टी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी था कि वो सी यू ई टी का एग्जाम दे। ये चीज़ तो हर स्टूडेंट को पता था, लेकिन उसके जस्ट बाद दूसरा कंडीशन जामिया ने ये भी रखा था कि अगर आप सी यू ई टी का फॉर्म अप्लाई करते तो आपको जामिया का भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और जामिया ने इसके लिए सेपरेटली डेट निकाला भी था और उसमें बहुत सारे बच्चे फिल किए भी है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने शायद फिल नहीं भी किए। अभी मैं फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जामिया में सी यू ई टी बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए हैं, साथ ही मतलब आप दोनों फॉर्म फिल सी यू ई टी का भी और जामिया का भी जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल किया वो कमेंट जरूर करेंगे, सर हाँ मैंने दोनों फॉर्म फिल किया है। फिर से जामिया का भी फॉर्म और सी यू टी का भी फॉर्म अगर आपने फिल किया है कमेंट करिएगा, सर हमने बी ए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए दोनों का फॉर्म फिल किया था, कमेंट कर देंगे ताकि पता चल पाए कि हाँ भाई इस बार कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। अब इसके बाद ये मैं थोड़ा कुछ दिन पहले का ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट ही है, हालांकि अब इसमें न्यूज़ के थ्रू ही चीज़ें पता चल रहा है, अभी कंफर्म करना भी मुश्किल है कि हाँ भाई यही है ये कुछ और है। बट ये कि अनएक्सपेक्टेड आपको यहाँ पर मैं जामिया के दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो है अभी हम सबसे पहले क्योंकि बी ऑनर्स हिस्ट्री की बात करें तो ये रहा आपका बी ऑनर्स हिस्ट्री, बाकी सेपरेटली सारे कोर्स का हम डिस्कस करेंगे, ये बता देंगे कि हमें क्या। जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि जो डेटा है जिस हिसाब से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में टोटल जो फॉर्म फिल हुए 33,728 फॉर्म फिल हुए, किसमें सिर्फ बी ऑनर्स हिस्ट्री में, मतलब सोच लीजिए कितना, सिर्फ सीट्स कितने हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, 60 से 70 सीट्स हैं। इस 60 से 70 सीट्स के लिए लगभग 33,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है जामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन्स के लिए, यानी इनका जो कॉम्पिटिशन का जो रेट है वो 562% का वो कॉम्पिटिशन बढ़ गया एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में। ये अब जैसे जो मतलब जो अपडेट है वही सबसे बाकी में, हालांकि ये इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि भाई सिर्फ इतने मतलब सिर्फ 60 कोर्सेज के लिए 33,000 फॉर्म फिल हुआ, ये भी बड़ा तजुब वाली बात है। बट कोई नहीं, तो दो चीज़ें हुए है यहाँ पे, एक तो ये कि भाई आपने जामिया का सी यू ई टी का फॉर्म फिल किया या नहीं, अगर आपने फिल किया देन आपको मौका मिलेगा, नहीं फिल किया तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब ये कि जामिया फिर आपको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया। हाँ अभी ये कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सी यू ई टी का हिस्ट्री का एग्जाम दे चुके हैं और बहुत सारे ऐसे जिनका भी एग्जाम से नहीं हुआ है। जहाँ तक रहा भाई एडमिशन का प्रोसीजर को लेकर तो मैं सिंपल बताना चाहूँगा, देखिए पहले जो आपने फॉर्म फिल कर दिया जामिया का सी यू ई टी का, देन कोई नहीं, अब इसके बाद करना कुछ नहीं, आपको इसका फॉर्म फिल करना है, सॉरी सी यू टी का एग्जाम देना है। जब सी यू टी का रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जामिया कुछ नहीं करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जामिया खुद ब खुद जो है आपका जो रिजल्ट आया है वो दो में से काम करेंगे, या तो एक आप नोटिस निकालेगा उसमें बोलेगा कि भाई जो जो बंदा अप्लाई किया वो अपना एप्लीकेशन नंबर अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल भेजिए, जैसे जामिया बीटेक में करते हैं उस तरीके से भी हो सकता है, वरना डायरेक्ट जामिया जो है सेलेक्टेड लिस्ट निकाले, और वो किस बेस पे निकालेगा, जो भी सी यू ई टी में आपके मार्क्स आए हैं उसी के बेस पे, यानी कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे ने अगर देखा है यहाँ पे तो 33,000 बच्चे ने अप्लाई किया है, तो इसमें टॉप 60 में मतलब क्योंकि टोटल 60 सीट्स है तो टॉप 60 में जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स है उनको ही मौका मिलेगा, बाकी स्टूडेंट्स ऐसे ही घूमेंगे, क्योंकि वो अलग बात है, देखिए फॉर्म तो बहुत अप्लाई होता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे बच्चे का एडमिशन मिल जाए, उसमें कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है। लेकिन हाँ यहाँ पे रिजर्वेशन का भी सीन है, जैसे कि 50% जो सीट्स है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है, बाकी 30% मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, 10% मुस्लिम गर्ल्स, 10% मुस्लिम वुमेन, ये चीज़ें क्लियर हो गया। बाकी इसके अलावा किसी भी कोर्स पे मतलब सी यू टी से लेकर किसी भी कोर्स पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बी ऑनर्स हिस्ट्री पे बात कर रहे थे, थैंक यू।